मैं आर के वी सिंह, पोस्ट मास्टर जनरल बरेली। आज क्या लॉन्च किया? नहीं, लॉन्च तो 1 तारीख कल 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का लॉन्च रहेगा बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल ओवर इंडिया। ये लॉन्च पूरा देश में रहेगा, बरेली रीजन में, परिक्षेत्र में। यहाँ भी लॉन्च का फंक्शन, हमारे यहाँ 15 ब्रांचेस है और 60 एक्सेस पॉइंट, उसमें भी कल लॉन्च है, गो लाइव हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग उसका लॉन्च फंक्शन बना रहा है कल दोपहर। प्रोग्राम 220 से शेड्यूल है, प्राइम मिनिस्टर का लॉन्च प्रोग्राम 3:15 से स्टेडियम में चलेगा। उसका लाइव टेलीकास्ट भी रहेगा, ये चलेगा टिल 4:30 और उसके बाद यहाँ डेडिकेशन ऑफ द ब्रांचेस हियर। यहाँ का यहाँ कहाँ देखने को मिला? संजय कभी लॉन्च, यहाँ फॉर्मल डेडिकेशन विल स्टार्ट एट द ब्रांच हियर एंड फंक्शन विल बी ऑर्गेनाइज एट संजय कम्युनिटी हॉल। इस कार्ड से ग्राहकों के लिए क्या सुविधाएं मिलेंगी? ये QR कार्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये मेन डॉक्यूमेंट रहता है, राइट। इसके जरिए ट्रांजेक्शन एट मर्चेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस में जाओ तो ये स्कैन करके उसके अकाउंट, अदरवाइज अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए वैसे इसका जरूरी नहीं है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रहता है, बायोमेट्रिक डिवाइस, उसमें अपना अंगूठा लगाओ, स्कैन हो जाएगा, अपना आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होता है, तो उसका ट्रांजेक्शन ब्रांचेस में तो हो जाएगा। बट अदर प्लेसेस लाइक शॉप्स, मर्चेंट बैंक एंड ऑल, जहाँ मर्चेंट बैंक का भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से अकाउंट है, तो इसके जरिए उसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर पाएगा। शहरी लोगों के लिए है या गाँव लोगों के लिए है, किस लिए? सुविधा तो दोनों जगह है, उपलब्ध है, शहर में भी है, गांव में भी है। इंडिया पोस्ट का स्ट्रेंथ जो है गांव में फैला हुआ है, राइट। इस कार्ड को जारी करने के फायदे क्या है आम आदमी को? QR कार्ड इसका प्राइमरी आइडेंटिटी रहता है और इसके जरिए लाइक उसे ट्रांजेक्शन एट शॉप्स एंड मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहता है, वहाँ ट्रांजेक्शन कर पाएगा। ये हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जितना भी इन लोकेलिटी ग्राहक डायरेक्ट, मतलब कि विलेजर्स, यूजर्स, शहर में भी आम लोग उनका अकाउंट खोलेंगे। अदर देन दैट, ये भी जानना चाह रहे थे कि जैसे आम बैंक के जो हैं वो परसेंटेज काटती हैं इस ट्रांजैक्शन पर, तो क्या इससे भी कोई ट्रांजैक्शन कटेगा या अमाउंट फिक्स रहना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, इस टाइप का कोई? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, मतलब कि वी आर जंपिंग है, देखिए तो इसमें कोई ये ट्रांजेक्शन में कोई चार्जेस नहीं है। एक चार्ज आएगा वो डोर स्टेप बैंकिंग में ही आएगा, वो या हमारा ग्रामीण डाक सेवक या पोस्टमैन, वो अपने आपके घर आके ट्रांजेक्शन करेंगे डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू, उसमें उसका कुछ चार्जेस रहता है, बाकी सब फ्री ऑफ, कोई भी ट्रांजेक्शन में कोई भी चार्जेस नहीं। और अभी रूरल अर्बन के लिए बात कर रहे थे, और वो अवर टोटल 3501 ब्रांचेस, राइट। अर्बन एरिया में 495 है, रूरल एरिया में 3006 ब्रांचेस होंगे फुल लॉन्च के बाद।
अभी तो बरेली में तो एक ही है नहीं नहीं बरेली 15 है और 60 हमारी जो है रूरल ब्रांच नहीं नहीं बरेली में कल 5 जगह लॉन्च होता है सर असल में सर रीजन के बारे में बता रहे हैं रीजन में हमारी ब्रांच उसके बारे में बता रहे हैं वो अलग है नहीं बरेली सर बरेली वो क्षेत्र जहाँ पर अभी सुविधाएं नहीं पहुंची है गाँव देहात का जो क्षेत्र है इसलिए सर हम लोगों ने QR कार्ड हमारा बैंक देगा ये QR कार्ड है जो हम लोग कल से डे 1 से सभी कस्टमर्स को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे इसकी सुविधा सर ये हमने किसी